भारतीय इतिहास कई महान व्यक्तियों की बदौलत संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। भारतीय धरा पर कई विद्वान और पंडित हुए हैं जिन्होंने इस धरती को ऐसी देन दी है जिससे हर भारतीय का सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। इन्हीं महान आत्माओं में से एक हैं कालिदास। इनके जीवन काल से सकारात्मक होकर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं महाकवि कालिदास और विद्योत्तमा के जीवन के बारे में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कालिदास का जन्म किस काल में हुआ और वे मूलतः किस स्थान के थे, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों में काफी विवाद है। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर उन्होंने काफी रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। वे अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। कालिदास के बारे में कथाओं और किंवदंतियों से यह पता चलता है कि वह शक्लो सूरत से सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्तमा से विवाह कालिदास के जीवन की प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि वह शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया गया जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही है कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख खराब करेगी तो वह उसकी दोनों आंखें कर देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्म और जीव दोनों हैं, इसीलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी पांच उंगलियां खड़ी की जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी पांचों उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि पांचों तत्व तो अलग अलग है परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। उसे जल्द ही सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख हैं। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्ध न पा लेना घर वापस नहीं आना। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने काली देवी की आराधना की और अध्ययन करके वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़काकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, मतलब दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर सोचा, अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः, मतलब कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार कालिदास ने पत्नी विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अव शेयर करें।